बेबी, आई वॉन्ट टू किस यू। मिहिर ने अपनी दिल की बात को सीधे सीधे मुक्ता से कह दिया था। मिहिर की कही ये बात सुनकर एक पल के लिए मुक्ता को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया था। क्या मिहिर ने अभी अभी किस कहा? क्या वो मुझे किस करना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। मिहिर एकदम से ऐसा क्यों बोलेगा? मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। उसके दिमाग में मिहिर की इस बात से उलझन सी पैदा हो गई थी। वो थोड़ी सी हेजिटेट करते हुए बोली, मिहिर तुमने क्या कहा? वो मैंने ठीक से सुना नहीं। मुक्ता की आंखों में सवाल, कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। अब कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि ये जगह अच्छी है। मिहिर ने पहले तो अपनी बात क्लियरली कह दी थी, लेकिन अब वो भी एक तरह की हिचकिचाहट महसूस करने लगा था। मुक्ता ने सच में मेरी कही बात सुनी नहीं है क्या? अब मैं फिर से कैसे कहूँ? कहीं मैं उसे डिमांडिंग तो नहीं लगूंगा? मिहिर ने खुद से बात करते हुए कहा। मुक्ता और मिहिर के बीच में अचानक से बातें ऑकवर्ड हो गई थी। आपस में हो रही इस अजीब सी हेजिटेशन को टालने के इरादे से मुक्ता और मिहिर इधर उधर देखने लगे। मिहिर ने जरूर किसी कहा होगा, मगर मैं इतना फियर्ड क्यों फील कर रही थी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम पिछले 1.5 महीने से डेट कर रहे हैं। एक बॉयफ्रेंड की तरह मिहिर परफेक्ट है, मुक्ता ने मिहिर के बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में कहा। इस पॉइंट पर मुक्ता दूसरी तरफ देख रहे मिहिर को निहारने लगी। मुक्ता को मिहिर के गले में पहना हुआ मून रिगल लॉकेट नजर आ गया। अचानक से मुक्ता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मुक्ता ने कुछ याद करते हुए खुद से ही कहा, मुझे इतना शाय होने की कोई जरूरत नहीं है। मिहिर तो मुझे पहले भी किस कर चुका है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मिहिर ही मेरा रूप कुमार है। उसने मेरे असली चेहरे को देखा है और मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। दूसरी तरफ मिहिर जब इधर उधर देख रहा था, वो खुद को समझाने लगा। गो स्लो मिहिर, लड़कियों के मामले में जरूरत से ज्यादा डायरेक्ट होना सही नहीं है। लेकिन अब तक मुझे किसी भी लड़की को फर्स्ट किस करने के लिए 1.5 महीना नहीं लगा है। मुझे तो डर है कि और स्लो जाऊंगा तो मैं प्रखर के रिकॉर्ड से भी पीछे रह जाऊंगा। आसपास देखते हुए मिहिर को एक जस्टिफाइंग पॉइंट मिल गया। मिहिर ने देखा कि इस लेक साइड गार्डन में हर जगह उन दोनों की तरह कपल्स ही बैठे हुए थे। कोई किताबों के पीछे छिपकर किस कर रहे थे, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। ये सब देखकर अब मिहिर ने अपना इरादा बना लिया था। आज तक मिहिर रायचंद इतना स्लो कभी भी नहीं था। इंटरेस्टिंग है कि मैं भी एक किस के लिए वेट कर रहा हूँ, लेकिन आज ये इंतजार खत्म हो जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं मुक्ता को किस करके रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भी मुक्ता किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। अचानक से एक ख्याल ने मुक्ता को परेशान कर दिया। लेकिन मेरे रूप कुमार ने तो उस दिन किस के बाद कुछ और ही कहा था। रूप कुमार ने कहा था कि अगर ये फिर से हो गया तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। नहीं, मैं मिहिर को किस नहीं कर सकती। जब से मुक्तांजलि सिर्फ मुक्ता बनी थी, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मुक्ता ने इस दौरान बहुत सी नई चीजें एक्सपीरियंस की थी। नई पहचान, पॉपुलैरिटी, नए दोस्त और बहुत कुछ। मुक्ता इस सब को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन एक बार फिर से मुक्ता की नजरें मिहिर के चेहरे पर रुक गई। अगर मिहिर ने मुझसे किस करने को कहा है तो जरूर उसने इस सब के अंजाम के बारे में सोच रखा होगा। वो ही मेरा रूप कुमार है। मिहिर कभी मुझे हर्ट नहीं होने देगा। मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इतने सारे एनालिसिस के बाद
मुक्ता ने अपना मन बना लिया था। मुक्ता ने खुद को चेयर अप करते हुए कहा, मुक्को, हर बात का फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए अब जब मिहिर मुझसे किसके बारे में पूछेगा तो मैं मना नहीं करूंगी। इस सब के बीच में सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और आसमान में चांद नजर आने लगा था। मिहिर ने घड़ी की तरफ देखकर मुक्ता से कहा, बेबी, ये गार्डन बंद ही होने वाला है और शाम भी हो रही है, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तो हम निकलते हैं। मिहिर की कही ये बात सुनकर नर्वस हो रही मुक्ता ने तुरंत हामी भर दी। हाँ, चलते हैं। मुक्ता ने भी हाँ कह दिया था तो मिहिर ने उसका हाथ पकड़ा और गार्डन के बाहर पार्किंग में जाने लगा। मुझे मिहिर को वो सवाल नहीं करना चाहिए था, लगता है अब मिहिर मुझसे किसके लिए नहीं पूछेगा, मुक्ता ने अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले मोमेंट में उसके साथ क्या होने वाला था। सडनली मिहिर चलते चलते रुक गया। उसने मुक्ता का हाथ पहले से ही पकड़ रखा था, लेकिन अब उसने मुक्ता को खींचकर अपने करीब खींच लिया। एकदम से मुक्ता की हार्ट बीट्स तेज हो गई थी और एक ही पल में उसकी सांसें भी भारी सी हो रही थी। मुक्ता की आंखों में एक ही वक्त पर नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों नजर आ रहे थे। बेबी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, राइट? मिहिर ने बहुत ही गहरी आवाज में मुक्ता से ये सवाल किया था। उसके इस सवाल में एक तरह का कॉन्फिडेंस था, जैसे कि वो ये जानता था कि इस सवाल के बाद मुक्ता उसे मना कर ही नहीं सकती थी। और मिहिर का ये इंट्यूशन बिल्कुल सही था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, मुक्ता का सर हाँ में हिल गया था। मुक्ता की हामी को जानकर मिहिर ने उसके सर से अपना सर छू लिया और मुक्ता की आंखों में देखकर बोला, आई लव यू बेबी। मिहिर की कही ये बात सुनकर मुक्ता के चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान तैर गई और उसी पल मिहिर ने मुक्ता के होंठों को अपने होंठों से छू लिया। अपनी गर्लफ्रेंड को ये लॉन्ग अवेटेड किस करते हुए मिहिर की आंखें बंद हो गई थी। जब मुक्ता ने मिहिर की बंद आंखों को देखा, उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। मुक्ता के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। मुक्ता और मिहिर के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। जब मिहिर ने इस बात को नोटिस किया कि मुक्ता की सांसें तेज होने लगी थी, उसने अपनी किस को रोक दिया। मुक्ता ने भी अपनी आंखें खोलकर मिहिर की तरफ देखा। उसने देखा कि मिहिर उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। मुक्ता अब शर्माने लगी थी। मुक्ता ने मिहिर का हाथ छोड़ा और आगे चलने लगी। पहले तो मिहिर को लगा कि ये अनएक्सपेक्टेड किस मुक्ता को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन उसी पल मिहिर ने मुक्ता के चेहरे पर छाई स्माइल को नोटिस कर लिया और मुक्ता के पीछे जाने लगा। पता नहीं इस वक्त कैसे लग रही हूँ, लेकिन मिहिर अभी अभी मेरे पीछे आ रहा है। क्या इसका मतलब भले ही उसे वो सब याद नहीं है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, मेरे लुक से नहीं, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। बेबी, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी, मिहिर ने सवाल करते हुए कहा। जब मुक्ता ने उसका ये सवाल सुना, वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई और मिहिर से बोली, क्या कहना है, क्या मुझे कुछ कहना है? मुक्ता ने मिहिर से ही उल्टा सवाल कर दिया। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है, या फिर ये भी बता सकती हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मिहिर की कही ये बात सुनकर मुक्ता अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई और खिलखिला उठी। मुक्ता को हंसते हुए देखकर मिहिर ने चलते चलते
उसका हाथ पकड़ लिया। मुक्ता ने फिर मिहिर की बात पर जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब पता है। मुक्ता के जवाब को सुनकर मिहिर भी मुस्कुराने लगा। ऐसी ही फ्लर्टी बातें करते हुए मिहिर और मुक्ता उसकी बाइक के पास पहुंच गए। जैसे ही मुक्ता की नजर बाइक के मिरर पर पड़ी, वो अपने आप को देखने के लिए बेचैन हो गई। मुक्ता जल्दी से मिरर के पास गई और अपना चेहरा देखने लगी। जब मुक्ता की नजर आईने में पड़ रहे अपने रिफ्लेक्शन पर गई, वो दंग रह गई थी। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मुक्ता ने सरप्राइज्ड होते हुए मन ही मन में कहा, क्योंकि मुक्ता ने देखा कि उसके चेहरे में कोई भी बदलाव नहीं आया था। लेकिन हुसैन तो रूप कुमार ने कुछ और ही कहा था, तो फिर मेरा चेहरा अभी भी खूबसूरत कैसे है? नहीं, शायद मैंने ही कुछ गलत सुना होगा। और मुझे तो खुश होना चाहिए कि अब मुझ पर वापस पहले जैसा होने की नौबत नहीं आएगी। मुक्ता अपने आप को देखते हुए एक नतीजे पर पहुंच गई। जब मुक्ता के सारे डाउट्स उसने खुद ही क्लियर कर दिए थे, वो खुश हो गई थी। और मुक्ता की ये खुशी उसके चेहरे पर भी साफ साफ झलक रही थी। मिहिर ने जब देखा कि मुक्ता का मूड बहुत रोमांटिक हो रहा था, तो मिहिर के दिमाग में और कुछ ख्याल आ गए। वो बाइक पर बैठ गया। उसने मुक्ता को हग करते हुए अपने पास खींच लिया। एक किस के बाद मिहिर को लगा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन मुक्ता के साथ ऐसा नहीं था। मुक्ता को आज मिहिर हमेशा के कंपैरिजन में थोड़ा अजीब लग रहा था। मिहिर, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, मुक्ता ने मिहिर से दूर जाने का बहाना बनाते हुए कहा। लेकिन आज मिहिर मुक्ता की कोई भी बात नहीं मानने वाला था। उसने मुक्ता की कमर को फर्मली पकड़ लिया और उससे बोला, बेबी, मेरा एक दोस्त दिल्ली गया हुआ है, तो उसके घर पर कोई भी नहीं है। क्या तुम आज रात वहां जाना चाहोगी? मुझे लगता है तुम्हें आज रात और भी ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस मिल सकता है। सो, क्या कहती हो? मिहिर का ये सवाल मुक्ता पर किसी एटम बॉम्ब की तरह गिरा था। उसने अपने रूप कुमार से इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए मुक्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मिहिर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, मैं निकलती हूँ। ये कहते हुए मुक्ता मिहिर से कुछ कदम दूर खड़ी हो गई। एक ही पल में मुक्ता और मिहिर के बीच में थोड़ी देर पहले वाली ऑकवर्ड सिचुएशन वापस आ गई थी। मिहिर के लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि मुक्ता उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। इस बात को नोटिस करने के बाद मिहिर का मूड एकदम से बदल गया। मुक्ता, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डोंट यू ट्रस्ट मी? मिहिर की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुक्ता ने जब मिहिर का ऐसा रिएक्शन देखा, वो अपने दिल की बात कहने से डरने लगी। उसने मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मिहिर, ऐसी बात नहीं है, बस मैं घर जाना चाहती हूँ। मुक्ता की बात जवाब कम और बहाना ज्यादा लग रही थी। मिहिर ने अपनी जेब से बाइक की कीज निकाली और मुड़कर बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तो हम दोनों रिलेशनशिप में क्यों हैं? यू नो व्हाट, अब मुझे घर जाना है। ये कहते हुए मिहिर अपनी बाइक पर बैठ गया। इससे पहले कि मुक्ता उसे रोक पाती, मिहिर वहां से चला गया था। मुक्ता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब में उसकी क्या गलती थी। मिहिर को जाते हुए देख मुक्ता की आंखें भर आईं। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, जानवी सही कहती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, मिहिर और उसके दोस्तों की तरह इतने फॉरवर्ड नहीं बन सकते। मिहिर ने एकदम से रात कहा तो मैं घबरा गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे मना करने से उसे इतना गुस्सा आ जाएगा। वो मुझ पर फिर से गुस्सा करके कैसे जा सकता है? मुझे तो लगा था कि मेरा रूप कुमार मुझे अच्छे से समझता होगा, लेकिन मिहिर ने तो इस सब में मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं क्या करूं? मिहिर के ऐसे चले जाने से मुक्ता को बहुत बुरा लगा था। उसे इतना बुरा लगा था
कि अगली सुबह कॉलेज में मिहिर को देखने के बाद भी वो कल शाम हुई उस लड़ाई को भूल नहीं पा रही थी। इस वक्त मुक्ता और मिहिर उनके बाकी दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे हुए थे। प्रखर ईशान के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, तो मायरा और मिहिर डीन रायचंद से कैसे बात करनी चाहिए इस पर बात कर रहे थे। मुक्ता अकेली कल के बारे में सोच रही थी, तभी काव्या सबके लिए अपने हाथों से बनी चाय लेकर आई। ट्राई दिस, मुझे लगता है कि एक हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद अब मैं ये अच्छे से बना सकती हूँ, काव्या ने कहा। सबको चाय देते देते जब तक वो मिहिर और मुक्ता के पास पहुंची, एक ही कप बचा हुआ था, तुम दोनों एक ही शेयर कर लो, काव्या ने हंसते हुए कहा। लेकिन मिहिर ने बहुत ही बेरुखी के साथ वो कप मुक्ता के आगे बढ़ा दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुक्ता को दे दो। मिहिर की कही ये बात सुनकर काव्या को अलग ही कोल्ड वाइब महसूस हुई, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। जब तक सब चाय पी रहे थे, काव्या बस मुक्ता और मिहिर को ही नोटिस कर रही थी। फ्रेंड्स चलो, हमें रायचंद अंकल से मिलने के लिए लेट नहीं होना चाहिए, मायरा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। जब सब जाने के लिए तैयार हो गए, मुक्ता का बैग गिर गया। काव्या ने देखा कि आज पहली बार मिहिर मुक्ता का वेट किए बिना आगे चला गया था। जब मुक्ता नीचे झुककर अपना बैग समेट रही थी, ईशान ने उसकी मदद की। कल तक तो सब ठीक था, क्या तुम दोनों की डेट पर कोई लड़ाई हुई है? मुक्ता कैसे देगी इस सवाल का जवाब? सबकी बात सुनने के बाद डीन रायचंद क्या कहेंगे? क्या मुक्ता और मिहिर की नाराजगियां बनेंगी दूरियों की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी सिर्फ पॉकेट FM पर।